युवा मंच संगठन ने पुलिस लाइन चौराहे से लावेला चौक तक बनायो। इससे संगठन प्रमुख अजय दिवाकर एवं अजय हुड्डा के नेतृत्व में दो प्रमुख मुद्दे ट्यूशन खोर टीचर्स एवं चीन की संयुक्त शव यात्रा निकाल कर संयुक्त रूप से लावेला चौक पर ट्यूशन खोर दलालों को जूते मारो, अवैध कोचिंगें बंद करो, सरकारी टीचर ट्यूशन पढ़ाना बंद करो, चाइनीज प्रोडक्ट बंद करो, चीन मुर्दाबाद की नारेबाजी कर पुतला फूंका। साथ ही अजय हुड्डा ने जनता से इस दिवाली पर चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की अपील की। इस मौके पर शव यात्रा निकाल कर पुतला दहन कर नारेबाजी करते हुए युवा मंच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्रुव देव गुप्ता, अजय हुड्डा ने संयुक्त रूप से कहा कि संगठन की बदायूं जनपद की जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि प्रत्येक विद्यालय में टीचर्स का गैंग सा बन गया है जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए दबाव बनाते हैं, और जो छात्र सब्जेक्ट टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ता उसकी बेइज्जती टीचर सभी छात्रों के सामने क्लास में करते हैं, जबकि जो छात्र टीचर से ट्यूशन पढ़ता है वह ब्लैकमेलिंग एवं दलाली से सुरक्षित रहता है। यह कार्य पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरह से छात्र छात्राओं के साथ किया जा रहा है, जो गंभीर विषय है जिस पर एक्शन होना अति आवश्यक है। अगर यह ट्यूशन खोर टीचर्स नहीं सुधरे तो बड़े स्तर पर संगठन अपना रोष प्रकट कर कोचिंगों में स्वयं छापेमारी करने के लिए मजबूर होगा। साथ ही संगठन इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री महोदय से मांग रखी कि चाइना के प्रोडक्ट्स का आयात निर्यात बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। संगठन के जिला कॉलेज प्रभारी सचिन यादव व अंशुल गुप्ता ने संयुक्त रूप से कहा कि अगर बदायूं के सरकारी और प्राइवेट टीचर्स ने कोचिंग खोल कर ट्यूशन पढ़ाना बंद नहीं किया तो युवा सड़क पर उतरकर भूख हड़ताल करेंगे। इस मौके पर सचिन यादव, आकाश बाबू, अंशुल गुप्ता, सुमित शर्मा, अमित कुर्मी, कार्तिक मौर्य, अभिषेक साहू, सचिन वर्मा, सुधीर प्रताप, शिवांश गुप्ता, विकास गुप्ता, सत्यम सिंह, लकी दिवाकर आदि मौजूद रहे।